नहीं, विधायक यहाँ ठीक नहीं है, वादा करके नहीं निभाते। इंसान का पूरा स्थिति रहता उस टाइम में नहीं आता, जब वोट लेने का वक्त आता तो वो आता लेने के लिए। सब वैसे वादा करते रहते, कितना दिन पहले वादा किए, अभी कुछ काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ है। कली मोहल्ला में जाके देख ले, कोई काम नहीं हुआ मैडम। नमस्कार, मैं प्रिया। इस वक्त हम लोग मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पे आज जो है तीसरे जो चरण की जो चुनाव की जो प्रचार प्रसार थी अब वो थम चुकी है। अब हम यहां के लोगों से जानेंगे वर्तमान विधायक की स्थिति और जो आने वाले जो और भी कैंडिडेट्स हैं उनके अलावा उनके बारे में भी। यहां हम लोग इस वक्त चाय के स्टॉल पे हैं, जहां पे लोग चाय की चुस्की के साथ राजनीतिक मुद्दों पे भी बात करते हैं। तो यहां पे हम लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, वर्तमान विधायक के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, जो है वो काम कुछ करिए नहीं रहे हैं, तो बदलाव चाहते हैं हम लोग। सर, आप बदलाव चाहते हैं, वर्तमान विधायक जो है वो अभी काम नहीं किए? काम करवे नहीं किए, 10 साल में कुछ कामें नहीं किए हैं। सर, वो अभी वो जो उनके जो पोस्ट वो संभाल रहे हैं, वो नगर विकास मंत्री का पोस्ट संभाल रहे हैं, इसके बावजूद कुछ काम नहीं हुआ है? कहीं भी काम नहीं, आप सारे जगह सर्वे करके देख लीजिए, कहीं कुछ काम नहीं हुआ। कहाँ स्मार्ट सिटी बना? स्मार्ट सिटी बनने के बाद कहाँ बना अभी तक मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी? सर, बहुत सारे दावे हैं। चेंज करना चाहते हैं इस बार, विधायक वीरेंद्र चौधरी बनाना चाहते हैं। श्योर जी। सर, वादे बहुत सारे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये मुजफ्फरपुर जो है स्मार्ट सिटी है। हाँ, बना स्मार्ट सिटी, अभी तो स्मार्ट सिटी है, नहीं बना। अब हम जानेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, और भी जो लोग हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं वर्तमान विधायक के बारे में? नहीं, विधायक यहाँ ठीक नहीं है, वादा करके नहीं निभाते हैं। क्या कुछ वादा किया था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी बना देंगे, स्मार्ट सिटी नहीं है, जहाँ देखे वहाँ कचरा ही फेंका हुआ, नारा ये सब कोई भी। दावा तो है सर कि मुजफ्फरपुर जो है स्मार्ट सिटी के गिनती में आता है। जी, तो दावा पूरा हुआ? नहीं, दावा पूरा नहीं हुआ, इसलिए बदलाव चाह रहे हैं। यहाँ पे एक युवा मौजूद है, युवा से हम पूछेंगे। सर, जो अभी वर्तमान विधायक है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कोई काम नहीं किया है यहाँ पे, कोई काम नहीं किया है। अभी जो आज तो प्रचार प्रसार थम चुका है, प्रचार प्रसार करने के लिए आप लोगों के बीच आए थे? नहीं, नहीं आए। नहीं आए, नहीं आए। तो क्या इस बार जो है और भी जो इतने प्रत्याशी है, तो उनमें से आपको कौन अच्छा लग रहा है? विजेंद्र चौधरी। यहाँ पे और भी दो लोग जो है बैठ के चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्की के साथ राजनीतिक मुद्दों पे तो बात चल ही रही होगी। बोलेंगे यहाँ का विधायक एकदम मरा हुआ विधायक है, विकास मंत्री है यहाँ का विधायक, कुछ नहीं काम किया, हम लोग भेंट करने के लिए आयोजन नहीं करता है, नहीं आता। जब वोट लेने का वक्त आता तो वो आता है लेने के लिए। घटिया विधायक है यहाँ का सुरेश शर्मा, चेंज होना चाहिए इस बार। हाँ, इस बार चेंज होना चाहिए, परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन चाहिए। सर, जो है 7 तारीख को जो है वोटिंग होने वाली है, तो आप लोग कितने ज्यादा एक्टिव वोटर्स में से आ रहे हैं? हम लोग विजेंद्र चौधरी को देंगे, हम लोग चाहते कि वो आए मुजफ्फरपुर में, आए मुजफ्फरपुर में आए, वो चेंजिंग करे वो, लेकिन सुरेश शर्मा कुछ नहीं कर सकता है वो। सर, सरकार का तो दावा है कि मुजफ्फरपुर जो है स्मार्ट सिटी बन चुका है। नहीं मैडम, आगे देखिए ना बिहार मुजफ्फरपुर का कितना कचरा हुआ, कितना गंदगी है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, खाली नाम का स्मार्ट सिटी, खाली नाम का स्मार्ट सिटी है। दोनों एक दूसरे के बातों से काफी तालमेल रख रहे हैं, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग भागते हुए दिख रहे हैं, पहले भीड़ थी अब जो है भागने में दिख रही है। सर, बताइए आप वर्तमान विधायक के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? वर्तमान विधायक तो ठीक ही है, सब विधायक का तो वही काम है, काम के समय आना, वोट के समय आना, और जब इलेक्शन हो जाए तो कोई दर्शन ही नहीं देता है। तो सर, आप वर्तमान जो विधायक है उनसे खुश है? सब विधायक तो वही करता है, सब खुश है, सब खुश है। आप इस बात से सर एग्री करते हैं? सर बोले सब खुश है। नहीं मैडम, पूछ लीजिए जनता से, पूछ लीजिए जनता, जनता से पूछिए, 90% खिलाफ में मिलेंगे। कह रहे हैं सर कि 90% जो लोग हैं वो इस बातों के खिलाफ मिलेंगे। सर जो एग्री बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्तमान विधायक से खुश है, इस बात पे कहीं ना कहीं वो डिनाई कर रहे हैं। आप बताइए, आप बताइए बोल चुके हैं। ठीक है सर, बोले कि बोल चुके हैं, भीड़ जो है माइक देख के तो रुक रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है भाग रहे हैं जब हम उनके पास जा रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी डर भय लोगों में दिखने को मिल रही है माइक को लेके। कहीं ना कहीं ने पता होना चाहिए कि हम जो है आसपास के लोग ही हैं, और भी लोग हैं,
सर आप बोलिए, बताइए, आप यहाँ से नहीं बिलोंग करते हैं, लेकिन आप अक्सर यहाँ पे आते जाते होंगे? नहीं, कभी कभी आते हैं। कभी कभी? कितने दिन में आने जाने का सिलसिला लगा रहता है? महीना दिन में लगभग। महीना दिन में? तो आप जो मुजफ्फरपुर को कब से देख रहे हैं? मुजफ्फरपुर को देख रहे हैं लगभग वही आपका 3-4 साल से देख रहे हैं। तो सर चेंजेस दिखे हैं, परिवर्तन विकास की ओर? विकास की ओर परिवर्तन तो कुछ ना कुछ है ही ना, कुछ ना कुछ है, बिल्कुल है। जैसे कि सर? जैसे कि आप जो रोड रास्ता देख रहे हैं पहले से बेहतर है, बिजली का भी जो स्थिति है पहले से बेहतर है, बाकी जो चीज़ होना चाहिए वो सारा चीज़ है यहाँ पे। वो है सर, कह रहे हैं सर एग्री कर रहे हैं, भले ही वो यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं लेकिन वो उन बातों से एग्री कर रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो ठीक है। अब और भी लोगों से हम जानेंगे, भीड़ जो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। लोग जो है वर्तमान, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 90% जो लोग हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि यहाँ के वर्तमान विधायक से वो खुश नहीं है। सर आप यहीं से बिलोंग करते हैं जी? किसी क्षेत्र से? मैं तिलक मैदान से हूँ। तिलक मैदान से हूँ। तो आप यहाँ के वर्तमान विधायक को जानते हैं? जी जानता हूँ, सुरेश जी। तो क्या कुछ चेंजेस आया है सर उनके आने से? कुछ नहीं है, विकास की ओर गया है? नहीं 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 गया, इस बार वो हार रहे हैं। जी जी सर, कह रहे हैं किस बार वो हार रहे हैं? इतनी ज़्यादा जो मतलब कहते हैं ना प्री एजम्पशन उनकी सर की है। सर आप बताइए, आप यहीं से बिलोंग करते हैं? हाँ जी। तो इस अभी वर्तमान विधायक के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? उतना अच्छा नहीं है जी, उतने अच्छे नहीं है। कितने अच्छे चाहिए थे सर आपको? जितना चाहिए था उतना अच्छे तो है नहीं अभी। सर उनका वादा है कि मुजफ्फरपुर को उन्होंने स्मार्ट सिटी बना दिया है? वो सब वैसे ही वादा करते रहते, कितना दिन पहले वादा किए, अभी कुछ काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ है जी। कुछ काम नहीं हुआ है, काम कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। तो सर कहते हैं कि वो अभी जो विकास के जो एक पद पे है, जहाँ पे रोड विकास की ओर जो है उनको पद मिला हुआ है, उस पर आपको क्या कहना है कि विकास हुआ है रोड को लेकर? कोई कुछ नहीं हुआ है, जैसे के तैसे है, जैसे के तैसे। हाँ कुछ नहीं हुआ है। तो और भी लोग हैं यहाँ पे, भीड़ पूरी लगी हुई है। सर से हम पूछेंगे, सर आप बताइए वर्तमान विधायक के बारे में। सर लगता है तंबाकू का सेवन कर रहे हैं अभी, इसलिए नहीं बताएंगे, आप बताइए। मैडम क्या है ना कि जिसने 5 साल में कुछ भी हुआ नहीं, जब बारिश होता है बारिश ऐसी का इसी लगी रहता है, पूरे गली मोहल्ला में जाके देख ले तो कोई काम नहीं हुआ है मैडम, कुछ भी नहीं हो रहा है। खाली दिखावा के लिए आदमी को ना पब्लिक को लोभ रहा है कि हाँ हमको ये करते हैं वो करते हैं, पर कुछ भी नहीं होता। अच्छा सर एक बात हम पूछना चाहते हैं कि वर्तमान विधायक जो हैं वो वोट लेने के लिए आए थे? अभी इतनी खाली वोट के टाइम में सारे हम नेता लोग आते हैं जी। कभी वो नेता आवेंगे, कभी कांग्रेस का आवेंगे, कभी बीजेपी का आवेंगे, हर में आते हैं नेता लोग। काम हो जाने के बाद कोई किसी को याद नहीं करते, कोई भी नहीं आता है। तो अभी हम यहाँ पे एक दादी जी हैं जो कि भाग गई है, भाग गई है माइक देख के, अब इनसे अच्छे से पूछेंगे। इधर आइए, वर्तमान जो विधायक है उनके बारे में जानते हैं आप? नहीं। काहे? हमको नहीं पता। नहीं पता है? नहीं। वोट आपके घर से पड़ता है? नहीं। नहीं जाता है कोई वोट देने? बाबू बोल रहे हैं कि वोट देने नहीं जाते हैं। तो खबरों का सिलसिला जो है भारत लाइव पे ऐसे ही बरकरार रहेगा, हम ऐसे ही आपके सामने जो है जमीनी हकीकत हर विधानसभा क्षेत्रों की लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।